हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन 360। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टैटिक जीके का। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है वाटरफॉल्स इन इंडिया। देखिएगा, ये जो टॉपिक है ये वेरियस वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है आपको। लाइक फॉर एग्जाम्पल SSC, बैंक, रेलवे, OSSC, SS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 
स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है आपका, उसको चलिए शुरू करते हैं। चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वाटरफॉल होता क्या है? वाटरफॉल बेसिकली क्या है? एक स्ट्रीम है वाटर का जो बेसिकली फ्रॉम हाई एलिवेटेड रीजन से, माउंटेनियस रीजन से फॉल करता है टू लोअर एलिवेटेड रीजन में। बेसिकली आपको मालूम होगा जब भी एक रिवर या फिर स्ट्रीम ऑफ वाटर आप बोल सकते हैं, जब भी वो एक हाई एलिवेटेड रीजन से लोअर ऑल्टीट्यूड रीजन में फॉल करता है, उस लैंड फॉर्म को वाटरफॉल बोला जाता है। ये तो सबको मालूम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं सुपरलेटिव्स। आपको जस्ट बताना चाहूँगा एग्जाम्पल इंटरव्यू से यहाँ पर तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स के स्टेट का नाम याद रखना है कि किस स्टेट में है वो। यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर इस टॉपिक से। और स्टेट के बाद आपको सुपरलेटिव्स याद रखना है कि कौन सा वाटरफॉल्स हाईएस्ट हैं, वो भी याद होना चाहिए आपको। थर्डली आपको रिवर का नाम पूछ सकते हैं कि किस रिवर से वो वाटरफॉल बन रहा है। तो उसको तीनों को ही हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स के जो भी हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर टॉप 10 वाटरफॉल्स हैं। तो उसको जल्दी जल्दी से एकदम कवर करते हैं। एकदम देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है। आपको सभी के वाटरफॉल के नाम विद स्टेट याद होने चाहिए। जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ यहाँ आपको, उसके बाद इंडिविजुअली सारे फॉल्स को कवर करेंगे हम। जो पहला और इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, सबसे हाईएस्ट लेंथ में है, सबसे हाईएस्ट हाइट में है, याद रखना आपको। या फिर हाईएस्ट होगा या फिर टॉलेस्ट होगा, दोनों सेम चीज है। आपको एग्जाम में हाईएस्ट पूछेगा या फिर टॉलेस्ट पूछेगा, वन एंड ऑल सेम थिंग है दोनों, मतलब दोनों का सेम बैठता है। देखिएगा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टॉप 10 में जो नंबर 1 में है वो आपको मिलेगा कुंचिकल फॉल्स। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कुंचिकल फॉल्स जो कर्नाटका में आपको मिलेगा, ठीक है ना। अभी जस्ट स्टेट वाइज देखते हैं, उसके बाद इंडिविजुअली इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट है बरही पानी, आपको ओडिशा में मिलेगा। थर्ड नंबर में आता है नौकालिकाई फॉल्स जो आपको मेघालय में मिलेगा अगेन। तो ये टॉप 3 वाटरफॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ईयर्स में, मल्टीपल ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो जस्ट आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमारा 3 वाटरफॉल हो गया, पहला है कुंचिकल, सेकेंड है बरही पानी, थर्ड है नौकालिकाई फॉल्स एट मेघालय। तो ये टॉप 3 फॉल्स हो गया जो हाईएस्ट है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में आपको मिलेगा नौसंख्यांग फॉल्स, वो भी आपको मेघालय स्टेट में मिलेगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर में आपको मिलेगा दूधसागर फॉल्स, बहुत फेमस है गोवा का, ठीक है ना। ये आपको चेन्नई एक्सप्रेस की जो मूवी है वहाँ भी इसको दिखाया गया, बहुत फेमस फॉल्स है। सिक्स नंबर में है आपको किनरिम फॉल्स एट मेघालय अगेन। सेवन्थ नंबर में आपको मिलेगा मेन मोटी फॉल्स एट केरला। उसके बाद थलियार फॉल्स है तमिलनाडु में, फिर वज्राई फॉल्स है महाराष्ट्र में, और बरखाना फॉल्स है कर्नाटका में। ये तो रहा टॉप 10 फॉल्स। आप इंडिविजुअल इस फॉल्स को देखते हैं और कैसे याद रखना है, वो भी मैं आपको टेक्निक शेयर करूँगा कैसे आपको इस फॉल्स को याद रखना है विद स्टेट, ठीक है। जस्ट यहाँ पर तो जस्ट टॉप 10 था, आगे बढ़ते हैं। चलिए कर्नाटका में आ जाते हैं, कर्नाटका में बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं, उसको कवर करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कर्नाटका में देखिएगा जो पहला फॉल है, जो हाईएस्ट फॉल है, वो है बेसिकली कुंचिकल फॉल्स। इसको कर्नाटका में है याद रखिएगा, टॉप 10 में आता है हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है कुंचिकल फॉल्स एट कर्नाटका। उसके बाद है सेकंड नंबर में है मेकडटू फॉल्स, अगेन कर्नाटका में मिलेगा। फिर उसके बाद जोग फॉल्स है और गोकब फॉल्स है, ये दोनों को एक साथ याद करेंगे हम लोग बाद में, पहले एक बार जस्ट देख लेते हैं एक बार। उसके बाद है शिवाना समुद्र फॉल्स, ये भी कर्नाटका में मिलेगा। बरखाना फॉल्स और कलहाटी फॉल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स है और यहाँ भी लिस्ट में लिखा हुआ है, पहले इसको याद करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा जो कुंचिकल फॉल्स है वो तो आपको याद हो ही गया होगा कि ये टॉप 10 में आता है, तो आपको भूलने का जरूरत नहीं है, याद रखने का भी एज सच याद हो ही जाएगा आपको। नेक्स्ट है मेकडटू फॉल्स, उसके बाद गोकक मिलेगा और जोग फॉल्स मिलेगा। देखिएगा जोग फॉल्स है, जोग फॉल्स कुछ भी बोलिए इसको, यहाँ पर है वर्ड जॉग, तो आपको जॉगिंग करने के लिए जाना है तो आपको जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो फॉर जॉगिंग, ठीक है ना। तो आपको जस्ट इसको पेयर बना के याद कर सकते हैं कि दोनों फॉल्स आपको कर्नाटका में मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शिवाना समुद्र फॉल्स, ये भी इंपॉर्टेंट फॉल्स में से एक है जो भी आपको कर्नाटका में मिलेगा, याद रखना है आपको। सॉरी हियर शिवाना समुद्र फॉल्स कर्नाटका में मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपको बरखाना फॉल्स है और कलहटी फॉल्स है। देखिएगा यहाँ पर याद करने के लिए आपको एक टेक्निक बताऊंगा आपको मैं, उस टेक्निक है से याद करना है जस्ट नाटक। देखिएगा नाटक जो वर्ड है वहाँ से ये दोनों फॉल्स याद हो सकता है आपको, बरखाना और कलहटी। बरखाना
मान लीजिए यहाँ खाना लिखा हुआ है, आप मान लीजिए खाना नहीं खा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं नाटक मत कीजिएगा और खाना खा लीजिए जल्दी, तो वहां से आप याद आ सकते हैं कि ये जो बरखाना फॉल्स है वो कर्नाटका में है। सेकंड है कलहट्टी फॉल्स, कल यहाँ पर लिखा हुआ है, कल मतलब होता है आप बार बार कल कल बोल रहे हैं, ऐसा मान लीजिए आप एक प्रोकास्टिनेशन दिखा रहे हैं लोगों की तरफ, तो आप नाटक कर रहे हैं वहां पर, नाटक से याद हो जाएगा आपको कर्नाटका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉल्स है सब याद होना चाहिए आपको, कुंतिकल फॉल्स, मेघदत्तू फॉल्स, गोकक फॉल्स, जोग फॉल्स और शिव समुद्र फॉल्स, बरखाना फॉल्स, कलहट्टी फॉल्स, सब आपको याद होना चाहिए। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस वाटरफॉल्स से एसोसिएटेड हैं। तो कुंचिकल फॉल्स है वहां आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बेसिकली वराही रिवर से ये बन रहा है और ये टॉलेस्ट फॉल है, और यहाँ पर देखिएगा जो इस फॉल में, इस वाटरफॉल में जब ये फॉल करता है तो नीचे में लोअर एलिवेटेड जो रीजन है हमारा, जो लोअर हाइट में है, वहां पर आपको एक डैम मिलेगा, उस डैम का नाम है मानी डैम, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर याद रखना है आपको, कुंचिकल फॉल्स वराही रिवर से बना हुआ है, टॉलेस्ट फॉल है हमारा, और मनी डैम आपको इसके लोअर हाइट में मिलेगा, जो लोअर एलिवेशन है वहाँ आपको मनी हाइट मिलने वाला है। ठीक है, फॉल्स है जो शरावती रिवर के ऊपर बना हुआ है, इसको हम गेस्टोपा फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है शिवाना समुद्र फॉल्स, कावेरी रिवर के ऊपर है ये, कावेरी रिवर से बना हुआ है। अब मेघदत्तू फॉल्स अगेन कर्नाटका में है, अगेन कावेरी रिवर से बना हुआ फॉल्स है ये। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको अब तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केरला में आ जाते हैं, नेक्स्ट केरला में आते हैं हम लोग। केरला में देखिएगा, याद रखने के लिए आपको एक जैसे एक टेक्निक बताऊंगा, करेला, करेला का जो वर्ड है याद रखिएगा। तो केरला, केरला के जो फॉल्स हैं उसको कवर करने के लिए आपको एक टेक्निक बताऊंगा, सुपर शॉर्ट टेक्निक है, वो है करेला। आप ये करेला जो टर्म है इसको याद रखिएगा, ताकि करेला का जो केरला में जो फॉल्स है वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, पहला दो फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन मुट्टी फॉल्स और वजाचल फॉल्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में जो फॉल्स लिखा हुआ है, सुचीपारा फॉल्स और अथिरापिली फॉल्स, यानी देखिएगा सुचीपारा में है सोच, पहला आपको पहला पांच आप लेटर्स को देखिएगा, वहाँ लिखा हुआ है सोच, उसके बाद है अथिरापिली फॉल्स। तो सोचिए आप करेला आप खा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सर ये करेला कितना गंदा टेस्ट है इसका, और नेक्स्ट है अथिरापिली, बेसिकली आप यहाँ से बस याद रख सकते हैं कि पिल्स, जो पिल्स आप मेडिसिन खा रहे हैं कि सर इतना गंदा टेस्ट है, हम लोग को मेडिसिन खाना पड़ेगा इस टेस्ट से बाहर निकलने के लिए। तो याद हो जाएगा अभी, सुचीपारा मतलब आप सोच रहे हैं कितना गंदा करेला है, नेक्स्ट अथिरापिली आप पिल्स खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, वहां से आप करेला के थ्रू इसको एसोसिएट करके याद रख सकते हैं। तो ये दोनों, ये चारों आपको इनफैक्ट केरला में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स है, यहाँ पर पहला दो फॉल्स को देख लेना एक बार, वटापराई फॉल्स और थलियार फॉल्स, थलियार फॉल्स टॉप 10 में भी था याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फॉल्स है आपको याद रखना, ये तमिलनाडु स्टेट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है अगाया गंगाई, किलियूर, होगेनखल, देखिएगा तमिलनाडु को जो फॉल्स है उसको याद रखने के लिए आपको जस्ट एक टर्म याद करना है, नाडा, तमिलनाडु से बन गया नाडा। अब ये नाडा याद कर लिए तो वहां से ये कुछ फॉल्स में आपको याद करने के लिए अच्छा आसानी से याद हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अगाया गंगाई फॉल्स, किलियूर फॉल्स, होगेनखल फॉल्स। देखिएगा आप मान लीजिए नाड़ा लेके आए हैं, आप बोल रहे हैं किसी को कि सर ये बंदा है ये नाड़ा लेके आ गया, नाड़ा लेके आ गया, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है ना, नाड़ा लेके आ गया किल करने के लिए, सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा है कोई, ऐसा मान लीजिए, और उसको आप बोल रहे कि सर आज मत करना कल करना। तो इस तरह जस्ट आपको याद करने का टेक्निक बता रहा हूं कि आप ये जो नाड़ा है इसके थ्रू इन तीनों फॉल्स को याद रख सकते हैं। पहला फॉल क्या है, अगाया, आप याद हो जाए कि आ गया है कोई, किलियूर कोई किल करने आया है, आपने आपको कोई किल कर रहा है ऐसा मान लीजिए, आप बोल रहे कि सर आज मत किल कीजिए, अच्छा दिन नहीं है कल किल कीजिएगा, ना सर याद करने का टेक्निक है जस्ट, आप पर्सनली मत लीजिएगा इसको। ठीक है, जो है यहाँ पर पयखरा फॉल्स मिलेगा, ये भी आपको नाड़ा से ही याद रखना है, पयखरा, पयखरा, तो पाए आप ऐसे याद रख लीजिए, पाए के ऊपर देखिए एक डंडी है नाड़ा, लंबा सा डंडी है, उसको आप नाड़ा के थ्रू एसोसिएट कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उड़ीसा में आते हैं, उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं, पहला फॉल्स है डुमडुमा फॉल्स, जोरंदा फॉल्स, बरेपानी फॉल्स, बरेपानी फॉल्स सेकंड हाईएस्ट फॉल्स है याद रखना है आपको, और कांदाहार फॉल्स, चारों ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कहां पर क्या है। तो बरेपानी याद रखना, दिस बरेपानी इस सेकंड हाईएस्ट फॉल में भी आता है ये, तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा। तो बरेपानी और कांदाहार, ठीक है, ये जो बरेपानी फॉल्स है ये आपको सिमलीपाल नेशनल पार्क में मिलेगा, याद रखना ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है,
नेशनल पार्क भी है, आपको मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा उड़ीसा के। डुमडुमा फॉल्स है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर में मिलेगा आपको। जोरंदा फॉल्स अगेन मयूरभंज में है, सेम सिमलीपाल नेशनल पार्क में मिलेगा, कोर एरिया के अंदर है। तो याद रखना कि दोनों फॉल्स बरही पानी और जोरंदा फॉल्स दोनों ही आपको सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर मिलेगा, उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में कवर करते हैं हम लोग, चित्रकूट फॉल्स है, तीरथगढ़ फॉल्स है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। चित्रकूट फॉल्स याद रखना है कि ये इंद्रावती रिवर से बनता है, बस्तर रीजन में, छत्तीसगढ़ का एक रीजन है बस्तर रीजन, वहां आपको मिलेगा, वहां पर इंद्रावती नेशनल पार्क भी मिलेगा सेम रीजन में आपको। और इसको चित्रकूट फॉल्स को नायगरा फॉल्स ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, आपको मालूम होगा नायगरा फॉल्स जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फॉल है जो अमेरिका में आपको मिलेगा। कोई बोल सकता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉल कौन सा है, आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा कि वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉल कौन सा है, टॉलेस्ट फॉल कौन सा है, ठीक है। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा झारखंड उसको कवर करते हैं। झारखंड देखिएगा, झारखंड में चार फॉल्स हैं, एक है राजरप्पा, सेकंड है लोथ फॉल्स, थर्ड है लोअर घाघरी फॉल्स, फोर्थ नंबर में आपको हुंद्रू फॉल्स मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको याद करते हैं, इसको झारखंड में राजरप्पा फॉल्स है उसको याद करेंगे, टेक्निक बता रहा हूँ तीनों का। तीनों में से आप जो कटप्पा है, कटप्पा से, कटप्पा ऑफकोर्स बाहुबली का बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कटप्पा जो वर्ड है वहाँ से आप तीनों फॉल्स को याद रख सकते हैं। यहाँ से कटप्पा से बन गया राजरप्पा, आप राजरप्पा ऐसे याद हो जाएगा। सेकंड बन गया लोध है, लोध से सिकंदर लोधी याद रख लीजिएगा, सिकंदर लोधी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स में से एक है दिल्ली सल्तनत में से, आपको मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में। फिर वहाँ से याद कर सकते हैं लोअर घाघरी, घाघरी बेसिकली जो एक गुजराती में कपड़ा होता है, एक कॉस्ट्यूम होता है, उसको घाघरी बोलते हैं, घाघरा बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से याद होगा आपको, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि सर राजरप्पा कटप्पा बन गया, यहाँ से कटप्पा से राजरप्पा, फिर वो आप बोल रहे हैं कि सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी एक राजा है, उनकी जो खागर है, मान लीजिए एक कॉस्ट्यूम है जो गुजराती में कॉस्ट्यूम है एक, वो आप कहीं फंस गया, उसको आप ढूंढने उसको भेजे हैं, किसको, राजरप्पा को, कटप्पा को, ठीक है ना। तीनों फॉल्स आपको याद हो जाएगा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो राजरप्पा याद हो गया फ्रॉम कटप्पा, सिकंदर लोधी से लोधी हो गया, और लोअर घाघरी से कॉस्ट्यूम के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये तीनों ही एक टर्म्स के थ्रू तीनों को आप एक ग्रुप करके याद आ सकते हैं कि कटप्पा, लोधी और लोअर घाघरी, ठीक है। कटप्पा मतलब आप बोल रहे हैं कटप्पा को कि सर सिकंदर लोधी जी की जो घाघरा है, जो कॉस्ट्यूम है, वो कहीं अटक गया है, कहीं फंस गया है, वहां से आप निकालने बोल रहे हैं कटप्पा को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हुंद्रू फॉल्स, याद रखना पड़ेगा आपको। हुंद्रू फॉल्स सुबर्णरेखा रिवर के ऊपर मिलेगा और रांची में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एमपी में आते हैं। एमपी में बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स है, यहां पर पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है धौनाधार फॉल्स, सॉरी एमपी में आते हैं धौनधार फॉल्स, कपिलधारा फॉल्स, उसके बाद चचाई फॉल्स, रजत फॉल्स, बहुती फॉल्स, घाटा फॉल्स, लास्ट में केवती फॉल्स मिलेगा, आप किसे याद रखना है इसको। चलिए इसको डिस्कस करते हैं एक बार। तो धौनधार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ऐसे ही हो जाएगा आपको। कपिलधारा भी इंपॉर्टेंट फॉल्स है, बहुत ही कॉमन नाम है तो याद हो जाएगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल्स में से एक है। नेक्स्ट इन चारों को एक साथ याद रखिएगा, चचाई, रजत, बहुती, घाटा। चचाई आप चाची जो वर्ड है ना, वो आंट को हिंदी में चाची बोला जाता है, तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि चाची आपकी जो आंट है उनके घर में एक लड़का है रजत बोल के, उनके घर में एक लड़का है रजत जो बहुत ही लॉस कर देता है आने से, ठीक है ना। इसके थ्रू आप जस्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको याद करने टेक्निक बता रहा हूँ, एज सच अपने किसी को सेंटिमेंट्स, किसी का सेंटिमेंट्स हर्ट करने का मेरे को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आपको याद कैसे रखना जस्ट वो बता रहा हूँ कि सर चाची, रजत, बहुत ही घाटा। तो चाची बेसिकली आपकी आंट के घर में रजत नाम का एक लड़का आया जो बहुत ही घाटा कर देता है उनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केवती फॉल्स है, ये भी आपको एमपी में मिलेगा। अब राजस्थान में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स है, अब आते हैं राजस्थान में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉल है जो है चुलिया फॉल्स, आपको मिलेगा कोटा में चंबल रिवर के ऊपर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट महाराष्ट्र में आते हैं हम लोग, महाराष्ट्र में एक है येना फॉल्स जो महाबलेश्वर में मिलेगा, एक हिल स्टेशन है बहुत फेमस महाराष्ट्र का, कृष्णा रिवर के ऊपर, कृष्णा रिवर से बना हुआ है, कृष्णा रिवर से ये फॉल बनेगा और इसको एना फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। कुने फॉल्स, कुने फॉल्स आपको याद रखना है तो आप याद रखते हैं कुने जो है वो पुणे से याद कर सकते हैं कि पुणे महाराष्ट्र में है, तो कुने भी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वजराई फॉल्स कैसे याद रखना बता रहा हूँ आपको मैं, वजराई जो है वेपन का एक नाम है जो बेसिकली वेरी स्ट्रांग जो होता है, बहुत ही स्ट्रांग वेपन को एक वजराई वेपन बोलते हैं, जो वेरी स्ट्रांग से आप याद रखते हैं कि हम लोग छत्रपति शिवाजी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां से आप जस्ट कनेक्ट करते हैं कि सर ये जो
वज्राई फॉल्स है, ये महाराष्ट्र में है। तो वेरी स्ट्रांग से आप याद आ सकता है कि सर छत्रपति शिवाजी जी बहुत ही महान थे, बहुत ही स्ट्रांग थे, वो रूलर थे मराठा के। तो वहां से आप जस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, वज्राई फॉल्स भी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पांडवगढ़ फॉल्स। पांडवगढ़ फॉल्स बहुत ईजी है याद रखना, आपको मालूम होगा कि महाभारत में ऐसे याद करना है इसको, महाभारत में जो 5 पांडव थे वो 100 कौरव के ऊपर भारी पड़ गए थे। तो वहां से यस याद कर सकते हैं कि सर पांडवगढ़ फॉल्स है वो महाभारत से एसोसिएट करके उसको आप महाराष्ट्र के थ्रू याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉल्स जो आपको गोवा में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स है, चेन्नई एक्सप्रेस में इसको दिखाया भी गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स, इसको हम लोग सी ऑफ मिल्क भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से एसोसिएटेड हैं। दूधसागर फॉल्स आपको याद रखना कि ये भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और मोलम नेशनल पार्क के पास मिलेगा आपको, जो ऑफकोर्स गोवा में ही है। ये दोनों नेशनल पार्क, सॉरी ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क आपको गोवा में मिलेगा, और ये मंडोवी रिवर से बना हुआ है। दूधसागर को हम लोग सी ऑफ मिल्क के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दूधसागर में आपको 3-4 पॉइंट याद रखना, एक है भगवान महावीर सेंचुरी, मोलम नेशनल पार्क में मिलेगा, उसके आसपास मिलेगा, और मंडोवी रिवर से बना हुआ फॉल है ये, और इसको सी ऑफ मिल्क भी बोला जाता है, इसके व्हाइट जो फॉल है उसके। उत्तराखंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉल है जो है शस्त्राधरा फॉल्स, याद रखना है कि ये उत्तराखंड में है। आपको अगर याद होगा, आपको अगर कहीं और पढ़े होंगे तो आपको याद रखना है जस्ट कि शस्त्राधरा फॉल्स जो है वो आपको MP में भी मिलेगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको MP या तो देगा या तो उत्तराखंड देगा, कभी दोनों ऑप्शन में आपको नहीं देगा। तो याद रखना कि जो शस्त्राधरा फॉल्स है वो आपको उत्तराखंड में मिलेगा, और MP में भी इस नाम का एक फॉल है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन में कोई एक एग्जाम में या तो उत्तराखंड रहेगा ऑप्शन में या तो फिर MP रहेगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय में बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं, देखते हैं एक एक करके। पहला है एलिफेंट फॉल्स, सेकेंड है नो कलिकाई फॉल्स, थर्ड नंबर में है आपका नो संख्या फॉल्स, फोर्थ नंबर में है किंदम फॉल्स। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स है, इसलिए इसको पहले याद करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो एलिफेंटा फॉल्स है वो आपको मेघालय में मिलेगा, एलिफेंटा केव्स पूछता है तो वो आपको महाराष्ट्र में मिलता है, एलिफेंटा केव्स। ठीक है ना, एलिफेंटा केव्स कहां पर है, महाराष्ट्र में है, मगर एलिफेंटा फॉल्स पूछेगा तो आपको याद रखना है वो मेघालय में है, महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, चलिए। तो सेकेंड नंबर में आपको इसको टॉप 10 लिस्ट में भी था ये नो कलिकाई फॉल्स और नो संगथियांग फॉल्स, आपको अगेन मेघालय में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉल है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किंद्रिम फॉल्स। किंद्रिम देखिएगा यहाँ पर रिम है लास्ट में, तो रिम से आप रिम झिम याद कर सकते हैं, रिम झिम के थ्रू, रिम झिम बारिश को बोलते हैं, बारिश होने को रिम झिम बोला जाता है। अब बारिश कैसे होता है सर, मेघ से होता है, मेघ से बन गया मेघालय, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका फॉल्स इंपॉर्टेंट फॉल्स है मेघालय में ही, वो है बिशप फॉल्स, बियर्डन फॉल्स, स्वीट फॉल्स, लैंगशेंग फॉल्स। इन चारों का हम एक साथ याद करेंगे। बिशप मान लीजिए आप कहीं चर्च में गए, एक फादर से आप प्रे कर रहे हैं सर, एक चर्च में आप गए हैं, चर्च के फादर के साथ प्रे कर रहे हैं, बिशप के साथ जो प्रे कर रहे हैं, आप वहाँ स्वीट लेके गए हैं चर्च में, और वो आपको एक लैंग्वेज में कुछ बता रहा है कि सर इस तरह करने से आपका दुख कम हो जाएगा, इस तरह आप जस्ट याद रख सकते हैं कि सर बिशप स्वीट और लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के थ्रू आप ऐसे इस टेक्निक के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि सर बिशप स्वीट लंगशियांग फॉल्स आपको मिलेगा मेघालय में। जस्ट एक कहना कि बियर्डन फॉल्स भी आपको मेघालय में मिलेगा, जस्ट एक ऑड वन आउट था यहाँ पर, उसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बिशप फॉल्स, स्वीट फॉल्स, लैंगशियांग फॉल्स, आपको तीनों ही मेघालय में मिलेगा। बिशप मान लीजिए आप गए हैं फादर के पास, एक चर्च के फादर के पास गए हैं, स्वीट्स लेके गए हैं आप ऐसा मान लीजिए, और वो आपको कुछ लैंग्वेज में आपको बता रहा है कि सर इस तरह आपको प्रेयर करना पड़ेगा ताकि आपके दुख हैं वो कम हो सके, तो उस तरह आप इन तीनों को याद आ सकते हैं। और आप भूलेगा मत जो बियर्डन फॉल्स है वो भी आपको मेघालय में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉल्स में थोड़ा उसको डिटेल में देखते हैं। बेसिकली शिलोंग में आपको मिलेगा मेघालय में। बेसिकली जो एलिफेंटा फॉल्स है ना, इसके जो फेस की वजह से इसको एलिफेंटा फॉल्स का नाम दिया गया। इसका जो फेस है एक एलिफेंट जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो उसके वजह से इसका नाम एलिफेंटा फॉल्स लिखा गया है। ये बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इसको एलिफेंटा फॉल्स के नाम से बढ़ाया था आगे। तो नेक्स्ट है नो कलिकाई फॉल्स, ये आपको चेरापुंजी में मिलेगा, जहाँ पर इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा नो कलिकाई फॉल्स एट मेघालय चेरापुंजी। याद रखना है ये थर्ड हाईएस्ट फॉल्स में से है, याद रखना है आपको कि ये थर्ड हाईएस्ट फॉल है। स्पीड से एक बार रिकॉल करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स को, और इस वीडियो को समाप्त करेंगे उसके बाद। को रिकॉल करेंगे, बाकी सबको याद नहीं करेंगे, सबको रिकॉल नहीं करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉल्स को रिकॉल करेंगे हम लोग यहाँ पर। चिकल फॉल्स मालूम होगा, ये हाईएस्ट फॉल है, कर्नाटका में मिलेगा और वाराही रिवर के ऊपर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नो कलिकाई फॉल्स अगेन मेघालय में मिलेगा आपको, कि बेसिकली टॉलेस्ट प्लंज टाइप वाटरफॉल है। याद रखना कि प्लंज क्या होता है, बेसिकली जब भी वाटरफॉल फॉल करता है लोअर एलिवेटेड रीजन्स में तो उसका इतना इंटेंसिटी होता है कि यहाँ पर लोअर हाइट्स में एक डिप्रेशन बनाता है, इसको हम प्लंज पूल बोलते हैं। आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा लैंडफॉर्म्स में कि ये प्लंज पूल होता है यहाँ पर लोअर हाइट्स में, इस वाटर के फॉल होने से एक डिप्रेशन बन जाता है यहाँ पर लैंड में, तो उसको प्लंज पूल बोला जाता है। बेसिकली ये टॉलेस्ट प्लंज पूल फॉल है, आपको याद रखना है ये नो कलिकाई फॉल्स मेघालय में। नेक्स्ट बिशप फॉल्स है, अगेन मेघालय में मिलेगा आपको ये फॉल्स, अगेन मेघालय में मिलेगा। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में, मगर एलिफेंटा फॉल्स मेघालय में मिलेगा आपको। ये बेसिकली इसका नाम जो है इसके फेस की वजह से दिया हुआ है, एलिफेंटा फॉल्स ब्रिटिशर्स ने दिया था इसका नाम। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट फॉल है दूध सागर फॉल, याद रखना है ये गोवा में आपको मिलेगा, मंडोवेरी की रिवर जिसको हम सी ऑफ मिल्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट राजस्थान का एक बहुत फेमस फॉल है जिसका नाम है चुलिया फॉल्स, कोटा में मिलेगा और चंबल रिवर के ऊपर। नेक्स्ट धौनाधार फॉल्स आपको मिलेगा एमपी के स्टेट में, याद आया धौनाधार फॉल्स कपिल फॉल्स याद आया, तो वहां से आपको मिलेगा। याद रखना कि नर्मदा रिवर के ऊपर ये नर्मदा रिवर से, आपको याद रखना कि ये नर्मदा रिवर से वाटरफॉल बनता है, तो याद हो जाएगा आपको धौनाधार फॉल्स और कपिलधारा फॉल्स दोनों ही आपको एमपी में मिलेगा। रजरप्पा फॉल्स है ये आपको झारखंड में मिलेगा, याद रखना कि रजरप्पा लोधी और घाघरी फॉल्स जो है वो आपको तीनों ही झारखंड में मिलेगा। आपको याद करवाया था मैं ये जो याद कैसे होगा आपको, आपको कटप्पा से याद रखना कि कटप्पा से बन गया रजरप्पा, और रजरप्पा के बाद आप इसको थ्रू लोधी के थ्रू सिकंदर लोधी के थ्रू घाघरा के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं तीनों को एड झारखंड, झारखंड में आपको मिलेगा। में आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स है हुंद्रू फॉल्स बोल के, ये सुबर्णरेखा रिवर के ऊपर मिलेगा और रांची में मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जोरंदा फॉल्स है, ये आपको ओडिशा में मिलेगा और आपको सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर मिलेगा और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा। एक और फॉल यहां पर है जो उसका नाम है बरही पानी फॉल्स, याद होगा आपको ये भी सेम जगह में है, सेम डिस्ट्रिक्ट में है, सेम नेशनल पार्क में, जो इसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व में भी है, जो भी जो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है फॉल्स, इसको हम गेस्टअपा फॉल्स के नाम से भी जाते हैं। आपको कर्नाटका में मिलेगा और आपको शरवती रिवर है उसकी वजह से ये फॉल्स आपको वहां देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट शिवानासमुद्रम फॉल्स, आपको अगेन कर्नाटका में मिलने वाला है, ये फॉल कर्नाटका में मिलेगा और कावेरी रिवर से ये फॉल बनता है। नेक्स्ट है आपका होगेनकल फॉल्स, आपको तमिलनाडु में मिलेगा याद रखना कि ये, और कावेरी रिवर के ऊपर मिलेगा। आपको यहाँ मैं याद करवाया था कि तमिलनाडु किससे बन गया, नाडा, नाडा के थ्रू आपको याद रखना कि नाडा बेसिकली एक स्ट्रेच होता है, एक लंबा सा एक आपको मिलेगा नाडा, वहाँ से आपको याद रखना कि सर कि आपको कोई अगर सुसाइड अगर कर रहा है इस टाइप का एक पिक्चर बना लीजिए दिमाग के अंदर, वहाँ से आप बोला कि सर आज मैं सुसाइड कर कल सुसाइड करना, तो वहाँ उसके थ्रू आप जस्ट याद रख सकते हैं कि इस तरह आप तमिलनाडु के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कपिलधारा फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमपी में मिलेगा। बहुत ही फॉल्स अगेन एमपी में मिलेगा, याद आया चाची बहुत ही रजत घाटा ये सब आपको एमपी में मिलने वाला है। नेक्स्ट चटाई फॉल्स मिलेगा आपको अगेन एमपी में। केओटी फॉल्स अगेन आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, इंपॉर्टेंट फॉल्स में से एक है। कलहाटी फॉल्स, हम हमेशा कल कल करते हैं वहां से, कि तुझे याद रखना है कि ये कलहाटी प्रोकास्टिनेशन दिखाते हैं उसके कल करके, तो अब नाटक के थ्रू याद रखना कि ये कर्नाटका में आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट मेघनाटू फॉल्स, आपको अगेन कावेरी रिवर के ऊपर मिलेगा और कर्नाटक स्टेट में मिलेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।